श्रद्धा भावना इन तीनों के सहयोग से ये यज्ञ बनता है। दीप यज्ञ में दीपक में घी और अगरबत्तियों में हम हवन सामग्री के हुतियां संचालित ढंग से चलती रहती हैं। तेरा तुझको अर्पण करके भाव रखते हुए सभी कमर सीधी करके बैठे और भावना पूर्वक हुतियां भगवान को समर्पित करें। गायत्री मंत्र स्वाहा सहित एक साथ बोला जाए, इदम गायत्री निवेदम न मम के कहा जाए। जैसे अभी इन्होंने कहा कि हम जब दूसरा यज्ञ करते हैं तो हम उसमें लकड़ियाँ और सामग्री वगैरह डालते हैं, तो क्योंकि आजकल के जैसे आपको भी पता है कि घर में वो पैसा हवन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उससे उसका जो हमने प्रतीक है जो ये जो दीप है ये अग्नि का प्रतीक है और जो अगरबत्ती हम जलाते हैं वो उसमें सारी सुविधा जो होती है हवन की उसमें होती है। तो अब हम 12 बार सभी लोग ओम भूर्भुवः सब बोलेंगे और ये जो ज्योति सत्य नाम की जल रही है और जो अपना दीपक लाए हैं तो जब हम बोलेंगे स्वाहा तो आपने ऐसे स्वाहा करना है, प्रणाम करना है और सबके साथ में इदम गायत्रे इदम नमः बोलेंगे 12 बार करेंगे। तो सभी लोग उस तरह ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं दुर्वरेण्यम वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न Ready.
स्वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं स्वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मृत्यु रूप बंधनों से छुड़ाने वाले एवं अमृत तुल्य सूत्रों से जोड़ने वाले भगवान महाकाल हैं। सभी याचक ध्यान मुद्रा में बैठें। भगवान महाकाल का ध्यान करते हुए भावना करें कि वे हमारी श्रद्धा को महानता में, संकीर्णता को उदारता में बदल रहे हैं। मंत्र के साथ भावना युक्त आहुतियां समर्पित करें। हम तीन बार महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे और आपने इसी तरह आहुति अर्पण करेंगे। ओम मेरा मन जो
जोड़ दे में चल कपट को मारे
Yeah.
अच्छा, हमने यज्ञ अपना पूरा किया है और अब हम विसर्जन करते हैं। पहले भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगेंगे, जो भी मुझे कुछ गलती हो गई हो तो इसी अधिकार की विधि विधान में कोई त्रुटि हो गई हो, और अगर किसी हमारे साथियों से हमारा अंतिम व्यवहार हो गया हो उन सब के लिए और देव शक्तियों के से और सभी व्यक्तियों से हम क्षमा याचना करते हैं, और अपना भी इससे क्षमा मांगने से हमारा अपना जीव भी हल्का हो जाता है। आप सभी लोग हाथ जोड़ लें और क्षमा प्रार्थना करें। ओम आवाहनम न जानामि नयजतामि पूजनम विसर्जन न जानामि क्षमस परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णतमस्तु मे यत् क्षरपद भ्रष्टं मात्राहीनं चेत् यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रति परमेश्वर यत् सन्नतां च नमो यत्तस्या तपो यदि क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्योगुणे क्वचिदं प्रमादात्कृतिकृष्णेषदां कर्म प्रत्यक्षदाधवरेषु मत् स्मरणेन सर्वविद्विवशो न सम्पूर्णं इत्यादि श्रुतिः। अब इसके बाद शांति अभिसंचय कर से थोड़ा सा पानी लीजिए आप चाहे और सबके ऊपर छिड़कना है, क्योंकि जो कलश में अब ये जो जल है इसमें नहीं, ये इस कलश से लीजिए आप थोड़ा सा, ये जो कलश है ना हमारा थोड़ा सा पानी लेकर चाय से मिक्स कर लीजिए और साथ में सबके ऊपर छिड़कना है। तो जो कलश के भीतर जो हमारा जल होता है, क्योंकि हमने सभी देवी देवी देवताओं का आवाहन किया था और मंगल कार्य दिव्य तत्वों को धारण, ये जो जल है वो दिव्य तत्वों को धारण कर लेता है। तो जब मनुष्य के शरीर स्वास्थ्य के लिए और मानसिक शांति एवं उसकी आध्यात्मिक गरिमा की अभिवृद्धि में बहुत सहायक होता है, तो ये जल आप अभिसंचन करेंगे। तो जल कलश पुष्प के द्वारा, पुष्प के द्वारा आप सब पर संचित करेंगे। इसमें पुष्प है, सबके ऊपर आप संचित कर दीजिए जल में। ओम मध्यम शांतर तरिषदम शांति पृथ्वी शांति राप शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वदम शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि ओम शांति 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 सर्वरिष्ट सुशांति भवतु। और अभी सर्जन जो आवाहन किए गए सभी देवी देवता को हम भाव भरी विदाई देते हैं और पूजा स्थल पर पुष्प वर्षा करें। अब हमारे पास अभी पुष्प तो नहीं, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं आप सबको एक ही पुष्प हाथ में दे दो, ये जो है एक एक टोकरी जो भी सामने बैठे हैं, और प्रार्थना करें कि ऐसा ही देव अनुग्रह जो है वह बार बार हमें मिलता रहे, हम भगवान जी को बुलाते रहें और वो आते रहें जाते रहें। सबको आप दे दीजिए और मंत्र के बाद आप सब लोग यहाँ पर चढ़ा दीजिए। ओम गच्छतम भगवन् अग्ने स्वाहां मे कुंडल मध्यदा हुत्मादाय देवभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीदने गच्छ गच्छतु श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवाः तत्र गच्छ हुदाशन यान्तु देवगणाः सर्वे पूजमानाय मां किम् इष्टकां सर्वध्यर्थ पुनर्गामनाय च। हमारा यज्ञ संपन्न हुआ, भगवान सभी को सुख शांति का दान करें। दाती दयाल होती है तो वो झोले भर के सबको देती है, एक छोटी सी बेटा बुलाने के लिए। दाती कोई दयाल नहीं उन मलो झोली छोड़ो उन मलो झोली मैया कोई दयाल नहीं उन मलो झोली Yeah, I'm a baby, 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 I'
जो तावा